ब्रह्मांड का महासागर बना है स्पेस और टाइम से, और स्पेस के बारे में जानने के लिए टाइम का सफर तय करना पड़ेगा। हमारा सफर हमें अपने घर से बहुत दूर ले जाएगा, 1,00,000 करोड़ लाइट ईयर से कुछ आगे। साथ ही हम 1,00,000 करोड़ साल पीछे अतीत में जाकर एक ऐसी भयानक घटना को देखेंगे जिसने समय की चाल को बिगाड़ दिया था। अब हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं और इसी के लिए तो हम यहां पर आए थे। ये दो ब्लैक होल्स विशाल तारों के एक जोड़े के खत्म होने के बाद पैदा हुए थे, और तभी से यानी लाखों सालों से ये ग्रेविटेशनल टैंगो कर रहे हैं। असल में हम यहाँ क्लाइमेक्स के लिए आए हैं। जब वो दोनों टकराएंगे, स्पेस टाइम की एक ऐसी सुनामी उठेगी जो स्पेस को हर दिशा में अपने हिसाब से बढ़ा और घटा देगी। इससे समय की गति पर प्रभाव पड़ेगा, जो पहले तेज होगी और फिर कम हो जाएगी। इससे समय की गति कम हो जाएगी, स्पेस टाइम की एक ऐसी सुनामी उठेगी जो स्पेस को हर दिशा में घटा और बढ़ा देगी, लगभग 1,00,000,000 लाइट ईयर्स से कुछ आगे। एक घटना जो लगभग 1,00,000,000 साल पहले घटी थी, उसका हमसे क्या वास्ता हो सकता है? आइंस्टाइन ये समझने वाले पहले इंसान थे कि मैटर पूरे स्पेस टाइम में रिपल्स भेज सकता है। उन्हें लगा कि मैटर के जबरदस्त विस्फोटों से रिपल्स से कुछ और बड़ा पैदा होना चाहिए, बड़ी वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स। इस वक्त आप मुझे अपने पास मौजूद किसी भी प्रकार के डिवाइस पर देख और सुन रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स को इस्तेमाल करना सीख लें, तो फिर कौन जाने। वो वैज्ञानिक जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रयोग किया करते थे 19वीं सदी में, उन्होंने कब सोचा होगा कि एक दिन हमारी दुनिया ऐसी होगी? कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने पहले ही बता दिया था कि ब्लैक होल्स होते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स इस बात का पहला सबूत है कि ब्लैक होल्स सच में होते हैं। पर वो हमारे लिए ब्रह्मांड को जानने और समझने का एक नया तरीका भी बन सकती हैं। हम उसके साथ अपने विज्ञान के ज्ञान को मिलाकर उस काले विशाल महासागर में उन सब लाइट्स को लेकर जा सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव और विजिबल लाइट। ब्रह्मांड की खोज का यह सबसे नया तरीका एक दिन ये जानने में हमारी मदद कर सकता है कि उन ब्लैक होल्स और दूसरी छिपी जगहों के अंदर क्या होता है जिनसे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बना है। कैसा रहेगा अगर हम उन ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगा सकें जो उत्पत्ति के शुरुआती पल में ब्रह्मांड के जन्म के समय पैदा हुई थी।